नमस्कार अनुज, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज बीसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग के रूल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईपीसी नेमिंग, और आईपीसी नेमिंग होने के लिए हमें उसके कुछ रूलों को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट रूल आपको आईपीसी नेमिंग बहुत टफ पड़ जाती है। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जिसके बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ आईपीसी नेमिंग के कुछ रूल है, हम रूलों को फॉलो करेंगे जिसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग कर सकते हैं। आईपीसी नेमिंग में हमारा दो नंबर का क्वेश्चन आता है बीएससी सेकंड ईयर में, तो क्या हमारे कौन कौन से रूल फॉलो करे जाते हैं किसी कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग करने के लिए। देखिए, फर्स्ट रूल ऑफ द आईपीसी नेमिंग, स्टेप फर्स्ट, नेमिंग ऑफ द आयंस। सबसे पहले आईपीसी नेमिंग करने के लिए हमें किसकी नेमिंग करनी पड़ती है, नेमिंग ऑफ द आयंस। द पॉजिटिव चार्ज आयन, द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन इज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव आयंस इन द आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है दो आयनों से मिलकर बनाता है, एक पॉजिटिव आयन दूसरा किससे नेगेटिव आयन। तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, सेंटर मेटल इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड। सेंटर मेटल सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड, और लिगेंड हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, सेंटर मेटल हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात किसी भी मेटल आयन की होती है। तो मेटल आयन इज रिटन इन द फर्स्ट पॉजिटिव आयन देन आफ्टर नेगेटिव आयन। किसी भी मेटल आयन को लिखने के लिए पहला पॉजिटिव चार्ज वाला लिखा जाता है, उसके पीछे क्या जाता है नेगेटिव चार्ज वाला। तो नाम लिखने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, सेंटर मेटल को छोड़ दीजिए, पहले नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा, फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन इन द आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में पहले नेगेटिव आयन को नॉमिनेट किया जाता है, उसके बाद उसको दिया जाता है पॉजिटिव। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है Fe Cl2 की बात आएगी तो यू नो दैट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको दो मिनट के लिए रोक देते हैं, हम नेगेटिव चार्ज को लिखेंगे। तो यही बात आईपीसी नेमिंग के लिए होती है कि सबसे पहले हम इसका लिखा नाम लिखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव आयन दिस इज Cl, Cl क्या होगा क्लोराइड, Cl क्या हो गया आपका, Cl को क्या लिखोगे क्लोराइड, ठीक है क्लोराइड हो गया नाम। उसके बाद उसका सेंटर मेटल का नाम, सेंटर मेटल का नाम क्या है आपका, आपका ये हो गया आयरन, ठीक है। तो आपने क्या लिखा क्लोराइड, और उसके बाद क्या लिखा आयरन, तो यहाँ पर लिखा आपने क्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा आपने आयरन। ये तो सिंपल नाम है, सिंपल नाम की बात कर रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नीचे बताऊंगी मैं। उसके बाद इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मैं पार्ट 7 में आपको बता चुकी हूँ कैसे किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको फिर से एक बार लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया Fe+2Cl=0, ठीक है। सेंटर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसका निकाला जाता है, सेंटर मेटल का। सो Fe+2Cl पर कैसा चार्ज हो गया -1=0, कितना हो गया 0, Fe=2 कितना हो गया +2, Fe का चार्ज कितना हो गया +2, तो कितना आया इसका 2। और आपको बता रखा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किस में एक्सप्लेन किया जाता है, रोमन में। तो दिस इज द नेम ऑफ द Fe2 आयरन सेकंड क्लोराइड, आयरन सेकंड क्लोराइड। अब जैसे सेकंड दूसरा एग्जांपल लिया मैंने सिंपल कंपाउंड, सिंपल आयनिक कंपाउंड KCl, KCl में ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का नाम लिखा हमने क्लोराइड। K को क्या लिखते हैं पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे K+Cl1, K+Cl=0, कितना हो गया 0, Cl पे कितना चार्ज हो गया -1 चार्ज हो गया -0, ठीक है। K+ तो K=2 कितना हो गया +1, लिखने के लिए उनका नाम लिखा तो जाता है लेकिन उनके बीच में कोई भी गैप नहीं रखा जाता, क्या लिखा जाता है वो एक सीरीज में लिखे जाते हैं, उनके बीच में गैप नहीं आता। तो दिस इज द सेकंड रूल टू राइट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो फर्स्ट रूल ये था किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखने के लिए पहले नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे फिर सेंटर मेटल का लिखेंगे, ठीक है। तथा साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि उनके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम के बीच में कोई भी गैप नहीं रहे। गैप नहीं रहने का मतलब है जैसे कि आपने लिखा है कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया Pt(NH3)4CL2Br2, तो अब जब उनका नाम आप लिखेंगे, नाम लिखोगे तो ये तो सेंटर मेटल है, चलिए छोड़िए इसका नाम तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो पहले किसका नाम लिखेंगे लिगेंडो का नाम लिखेंगे। और आपको मैं रूल में बता चुकी हूँ कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखे जाते हैं, ये पहले मैंने बताया था रूल में। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या लिखोगे ए बी के अकॉर्डिंग, ये ब्रोमो आएगा फिर क्लोरो आएगा। तो आप जब लिखेंगे तो दिस इज द ब्रोमो, दिस इज द क्लोरो, ठीक है। एन स्टिक एमिनो क्या मतलब है कि इनके बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एमिनो ए से शुरू होता है तो हम क्या लिखेंगे पहले एमिनो लिखेंगे, क्या लिखोगे पहले एमिनो, ए के बाद फिर बी आएगा, फिर लिखोगे ब्रोमो, फिर सीएल को क्या लिखोगे क्लोरीडो, इनके
ये क्लोरीन क्यों बोल रहे हैं ये मैं रूल में बता चुकी हूँ कि किसी भी नेगेटिव आयन के नाम के पीछे क्या लगाता है, ई को हटा के क्या लगा देता है, ओ लगा देता है। रूल आपको पार्ट 7 में एक्सप्लेन करे थे मैंने कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक। स्टेप सेकंड, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेमिंग कैसे करी जाती है। देखिए इसमें रूल नंबर सेकंड देखिए, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेट स्पेयर, कॉम्प्लेक्स आयन कहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, आपको बता रहा मैंने। Name of the ligand written first, the only center metal ion along with the oxidation number is parenthesis should be written as, क्या मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखने से पहले हम उसमें किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंटर मटेरियल का नाम लिखेंगे। कैसे देखिए, NiCO का होल फोर पहला एग्जाम्पल ले रखा मैंने, तो NiCO का होल फोर बोला, ठीक है NiCO का होल फोर, तो ये रूल में पार्ट 7 में मैंने आपको बताया था कि पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो हमारा निकल तो सेंटर मटेरियल है, तो लिगेंड क्या हो गया, CO है, CO को क्या बोलोगे कार्बोनाइल, और कितने हैं चार, तो चार होंगे तो क्या बोलोगे टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। उसका सेंटर मटेरियल का नाम निकल, NiCl, निकल, तो गैप नहीं रहा, देखिए बीच में कोई गैप नहीं है, उसका सेंटर मटेरियल ऑक्सीडेशन, सेंटर मटेरियल की क्या होगी ऑक्सीडेशन। सेम वे में जैसे ये है टेट्रा तो कहने का मतलब है पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर सेंटर मटेरियल का नाम लिखा जाएगा, और सब नाम लिखने के बाद सेंटर मटेरियल के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी जाएगी, जैसे कि हमने ये एग्जांपल में एक्सप्लेन करा आपको ये वाला, ठीक। उसके बाद हम उसका एंड कैसे करेंगे, उसका एंड करने का भी तरीका आना चाहिए कि आप किसी भी नेमिंग को एक्सप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एंडिंग कैसे होगी। ये रूल सेकंड का ही पार्ट आता है, देखिए इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक द सफिक्स 8 इज एडेड एट द नेम, 8 is added to the name of the metal along with the oxidation state the parenthesis K2HgCl4 is the example। क्या मतलब है, किसी भी negative ligand anionic का मतलब होगा कि negative ligand के अंत में अगर negative ligand है तो उसके अंत में क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं, उसके अंत में क्या लगाया जाता है 8 लगा के छोड़ देते हैं, और हमारी वहाँ पर क्या होती है वही उसकी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने के पश्चात आपकी उसकी आईपीसी नेमिंग क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। क्या मतलब देखिए हमने लिया है एग्जांपल क्या K2HgCl4, जैसे हमने लिया K2HgCl4 लिया, ठीक है, तो ये रूल नंबर सेकंड के अंदर आता है। अब आपका ये ब्रैकेट के बाहर है, ये आयनिक स्पेयर है, हमें आईपीसी नेमिंग कोऑर्डिनेशन नंबर की लिखनी होती है या कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये कितने हैं, ये तो सेंटर मटेरियल हो गया, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम लिखा क्या चार है, तो क्या चार को हमने क्या लिखा टेट्रा क्लोरीडीन, ये हमने नाम लिखा टेट्रा क्लोरीडीन, ये देखिए टेट्रा क्लोरीडीन, ठीक है, या क्लोरो लिख दिया। फिर ये मरकरी, ठीक है, अब ये सेंटर मटेरियल है, इसके सराउंडिंग में क्या लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, केवल नेगेटिव लिगेंड, ओनली फॉर नेगेटिव लिगेंड, और किसी के लिए नहीं। अगर यहाँ पर Cl2 के साथ आपका अमोनिया लिखा होता, वाटर लिखा होता कोई फॉर्मूले में, तो अमोनिया वाटर के लिए रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ पर केवल नेगेटिव लिगेंड है। अगर इसके साथ यहाँ पर आपका जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा PtCl2H2O ऐसे लिखा, तो ये तो नेगेटिव के साथ न्यूट्रल भी है, तब आपका रूल चेंज नहीं होगा, केवल नेगेटिव लिगेंड के लिए रूल चेंज होता है, तो उसके अंत में क्या आ जाता है सफिक्स में क्या जाता है 8 आ जाता है। तो मैंने लिखा टेट्राक्लोरिडो, Hg को क्या लिखते हो मरकरी, Hg को क्या लिखते हो मरकरी, तो हमने मरकरी नहीं लिखेंगे, अब इसको हम क्या लिखेंगे मर्क्यूरेट। इस वाले रूल को बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल कैटेगरी में आता है, इसको हम क्या लिखेंगे मर्क्यूरेट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं मर्क्यूरी ही लिख के आ जाते हैं। आपको आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर मेटल है, इसके सराउंडिंग में अगर केवल नेगेटिव लिगेंड है आपका, तो सेंटर मेटल के नाम के अंत में क्या लिखा है द कॉम्प्लेक्स ऑफ द एनायनिक 8 इज एडेड एट द नेम ऑफ द मेटल अलोंग, मेटल के साथ 8 लगा देते हैं, वरना मेटल का नाम कभी चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही रहेगा सब जगह, सिल्वर तो सिल्वर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं मर्क्यूरेट, हम इसको इसके नीचे पीछे क्या लिख दे रहे हैं ये देखिए मर्क्यूरेट, हमने क्या लिखा है मर्क्यूरेट, ठीक है मर्क्यूरेट लिखा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर काउंटर पे लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आ रहा है T2 आ रहा, K2 रह गया, K2 को हम क्या लिखेंगे K इज द पोटेशियम, तो हम इसको पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे पोटेशियम लिखेंगे। कहने का मतलब है कि आपका नाम क्या होगा, इसका नाम हमने इसका नाम जो लिखा ये देखिए हमने इसका नाम क्या लिखा फिर
ये लिखा हमने पोटेशियम, वैसे ही जैसे मैंने बोला के टू का मतलब डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आईपीसी रूल केवल ब्रैकेट के अंदर के लिए होते हैं। मैं आपको बार बार एक चीज डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ब्रैकेट के अंदर की होती है, ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं काउंटर आयन होते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है, इतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके लिए टेट्राक्लोरो नहीं लिखेंगे। देखना अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं तो हमने लिखा देखे टेट्राक्लोरिडो, मैंने टेट्राक्लोरिडो से लिखना सिखाया आपको, टेट्राक्लोरिडो ये था मर्करी, मर्करी को हम मर्क्यूरेट लिखेंगे, क्यों सेंटर मेटल के पीछे क्या लिखा है, ये क्या लिखा जाएगा एट, और पोटेशियम को पोटेशियम लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कैलकुलेट किया था एज यूजर, वही प्रोसीजर को हम ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर सेकंड था जो किसी भी आईपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें बच्चे एट नहीं लिख के आते और आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, इसके बाद अलावा रूल नंबर थ्री को अगर हम देखें तो हमारा रूल नंबर थ्री स्टेप थर्ड को हम फॉलो करें तो एट द लास्ट द नेम ऑफ द आयनिक विच इज प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्पेस शुड बी रिटर्न एज एग्जांपल। क्या ब्रैकेट के बाहर की बात आ रही है, वही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ब्रैकेट के अंदर की होती है, ब्रैकेट के बाहर की बात आ रही है तो ब्रैकेट के बाहर को एज यूजुअल ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे कहने का मतलब इसका नाम ऐसे लिखना है तो लिखिए इसका नाम, क्या होगा टेट्रामीन, ये है चार अमीन, ये होगा टेट्रामीन, ठीक हो गया टेट्रामीन, प्लैटिनियम प्लैटिनियम। अब आपने मैंने एट क्यों नहीं लिखा इसमें, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल इवेंट है, अमोनिया क्या है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड ठीक है जितने भी निगेटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, अगर वो होंगे तो आप सेंटर मेटल के पीछे एट लगा दो। अगर यहाँ पर क्लोरीन होता कहने का मतलब अगर ये होता पी टी सी एल फोर होता तो हम इसमें लिख देते टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, हम इसका नाम क्या लिख देते प्लैटिनेट। अब ये प्लैटिनेट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमने इसको लिखा प्लैटिनम। देखिए प्लैटिनम लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते ये हो गया पी टी प्लस फोर, अमोनिया पर चार्ज जीरो होता है, इजिकल सॉरी अमोनिया पर चार्ज जीरो हो गया प्लस फोर, सी एल पर चार्ज कितना हो गया माइनस वन, इजिकल टू जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर पूरा का निकाला जाएगा तो ये हो गया पी टी, ये माइनस फोर हुआ इक्वल के जाके क्या हो गया प्लस फोर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया फोर। ठीक है, उसके बाहर क्या लिखता है क्लोराइड, तो ब्रैकेट के बाहर जो होगा मटेरियल डाइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड नहीं होगा, उसका केवल यूज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए किया जाएगा, अदरवाइज का नाम चाहे पांच हो चाहे पांच हो चाहे एक हो नाम क्लोराइड ही आएगा, टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड ही आएगा। अब इस वाले में भी देख लीजिए, जैसे ये हो गया छह है, पहले लिगेंड का नाम लिखा तो छह का हो गया हेक्सामीन, ये हो गया आपका हेक्सामीन, देखिए पूरा नाम लिख दिया मैंने, फिर ये कोबाल्ट, ये हो गया कोबाल्ट, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड नहीं है तो इसलिए मैंने कोबाल्ट लिखा। अगर ये नेगेटिव होता लाइक दैट, अगर ये होता सी ओ सी एल सिक्स होता या सी ओ या होता सी ओ एफ सिक्स होता, ठीक है, या सी ओ सी एन सिक्स होता या सी एन फोर होता सिक्स होता, तो ये नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। अगर ये होता सी ओ सी एल फोर और एन एस थ्री का होल ट्वेल्व, ठीक है, तो ये नेगेटिव था तो हम एट लिख देते, ये नेगेटिव था तब हम एट लिख देते, ये नेगेटिव था तब हम एट लिख देते, लेकिन ये नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों है तो हम इसमें एट नहीं लिखेंगे, इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा। बस इसी के धारण में केवल ओनली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओनली और हिंदी में बोलेंगे केवल, केवल नेगेटिव लिगेंड होगा तब हम इसको एट लिखेंगे, अदरवाइज इसका नाम नॉर्मल लिखा जाएगा। तो देखिए हमने ये हमने देखा पहले लिगेंड क्या है, अमोनिया है, वो भी कितना है छः, तो हमने हेक्सामीन लिख दिया, ठीक हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड नहीं है इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हमने लिख दिया कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्ट लिखा। अगर नेगेटिव होता तो हम इसको कोबाल्ट एट लिखते, एट लगा देते कोबाल्ट एट, कोबाल्ट एट लिख देते, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लिखा तीन, वैसे भी तीन आ जाएगा, ये सिक्स इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो जाता प्लस थ्री सी एल, सी एल पर माइनस थ्री चार्ज हो गया, ये आपका गया थ्री, और ये बाहर से सी एल है तो सी एल को हमने क्या लिखा, तीन को तीन नहीं लिखते हैं, क्लोराइड सिंपल क्लोराइड, दिस इज द क्लोराइड। तो आपको आईपीसी नेमिंग लिखते वक्त आपको इन सब रूलों में से केवल एक मेन प्रमुख रूल याद रखना पड़ेगा कि पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं जो मैंने आपको बताया, सेकंड नंबर पर हम लिगेंड का नाम लिखने के बाद देखते हैं कि सेंटर मेटल का नाम लिखा जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाएगा। रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग हम अगर नेगेटिव लिगेंड का नाम लिख लिया, उसमें नेगेटिव लिगेंड है केवल, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, ठीक है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड द स्फीयर कुछ भी लिखा होगा, चाहे पीछे से लिखा हो चाहे आगे से लिखा हो, जैसे इसमें आगे से लिखा था तो पोटेशियम लिख दिया, पीछे से लिखा था तो क्लोराइड लिख दिया, ठीक है, लिख के छोड़ देंगे और ये देखेंगे कि सेंटर मेटल के सराउंड में नेगेटिव लिगेंड है या नहीं है। अगर नेगेटिव है तो सेंटर मेटल का नाम क्या रख देंगे, एट रख देंगे। एक रूल और फॉलो होता है फॉर ए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी एक रूल फॉलो होता है, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स सेम वही रूल होता है बस ब्रिजिंग हो जाता है। ब्रिजिंग का मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया एफ ई, ये लिख दिया एफ ई, इसके बीच में सेंटर में सी ओ कार्बोनाइल लिख दिया एफ ई का होल फोर, ठीक है, तो ब्रिजिंग दो एफ ई को जोड़ने के लिए सी ओ ऐड कर रखा है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका सी ओ हो गया सी ओ कार्बोनाइल कंपाउंड
और फिर ये बाहर इधर से भी जुड़े होंगे Cl2, आपका कॉम्प्लेक्स वैसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह का कंपाउंड क्या होता है, ब्रीजिंग। ब्रीजिंग मतलब इन दो सेंटर, इसमें दो सेंटर होंगे, इसमें दो सेंटर मेटल होंगे, उन दो सेंटर मेटल को किसी ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, किसी ब्रीजिंग लिगेंड के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को किस नाम से आता है, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन रूल तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। द ब्रीजिंग ग्रुप इज द कॉम्प्लेक्स आर रिटन फर्स्ट विद द प्रीफिक्स म्यू। हम ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर भी होंगे उनके आगे प्रीफिक्स, जैसे हम इसमें लिगेंड का नाम की बात करेंगे तो इनको हम जो प्रीफिक्स देंगे क्या देंगे, म्यू, ये बताने के लिए कि ये ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है। जैसे म्यू कार्बोनाइल बोलेंगे उसमें, ठीक है, म्यू क्लोराइड, अगर क्लोरीन से जुड़ा है तो म्यू क्लोराइड बोलेंगे। प्रीफिक्स म्यू बाय सेपरेटिंग इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स बाय हाइफन डैश, और उसको सेपरेट करेंगे किससे, हाइफन से, डैश से। दिस म्यू इज यूजुअली यूज्ड एवरी टाइम फॉर द ईच ब्रीजिंग लिगेंड, देयर आफ्टर द अदर लिगेंड विद द नंबर प्रीफिक्स डाई ट्राई बेस ट्रेस एटसेट्रा। साथ साथ किसी भी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के पश्चात म्यू हाइफन से चेंज करेंगे जितनी बार है, ठीक है। म्यू के बाद हमने डाई ट्राई, अगर दो ये चार है तो टेट्रा लिखेंगे, पांच है तो पेंटा लिखेंगे, लेकिन उसके बाद ये लिखेंगे कि इनके आगे डाई ट्राई नहीं लिखा था, इनमें क्या लिखा था, बिस ट्रिस टेट्रा किस अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट एंड द लास्ट ऑफ द नेगेटिव स्पीसीज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके पश्चात लिगेंड को नाम लिखने के बाद सेंटर मेटल स्पीसीज लिखेंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्फीयर के बाहर कुछ है तो उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखिए किसी भी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की बात आई तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, हमने किसी भी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की बात आई तो हमने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब ले लिया, जैसे ये है हमारा Fe, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया Fe, और ये हमारा किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल से जोड़ रही हूँ मैं, बार बार इसको कार्बोनाइल से जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने लिखेंगे म्यू, म्यू क्या है, डैश के बाद कार्बोनाइल, म्यू कार्बोनाइल, हमने क्या क्या म्यू कार्बोनाइल, ठीक है। कार्बोनाइल कितने हैं, चार, तो टेट्रा, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल लिगेंड का नाम जैसे लिखते आए हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जितने भी लिगेंड होंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, जो भी आप सिंपल नेम जैसे लिखते हैं, बस हमें इंट्रोड्यूस कराना है कि ये हमारे पास ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, और ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के आगे हमें क्या लगा देना, म्यू लगा देना। बस इसको लगाने के बाद सिंपल नाम जैसे IUPAC करते आए हो, सिंपल नाम IUPAC का मतलब मान लीजिए Fe के बाद कुछ भी लिखा होगा, FeCl को लिखा होगा, तो क्या टेट्रा क्लोरिडो आयरन 3 क्लोराइड 2 क्लोराइड जो भी होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल हमने लिए नहीं है, क्योंकि हमारे हमने सिर्फ आज आपको रूल एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल लेके मैं नेक्स्ट पार्ट 9 में आऊंगी। तो आपको यह देखना है कि रूल नंबर जो लास्ट है फॉर ए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर ए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स द प्रीफिक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस, म्यू को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, म्यू के बाद हाइफन डैश लगा के हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम नॉर्मल जैसे लिखते हैं सेंटर मेटल का नाम उसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये चार रूलों को आपको लर्न करना पड़ेगा, इन चार रूलों को लर्न करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप किस तरह से किसी भी कंपाउंड के IUPAC किस तरह से लिखेंगे। तो IUPAC लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेशन होल स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हाउ टू राइट द IUPAC नेम एंड हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो आपको इसके बाद लास्ट पार्ट 9 को देखना पड़ेगा, और इस वाले को भी सामने रख के रूलों को, इन रूलों को सब कॉपी में नोट कर लीजिए, इन रूलों को फॉलो करते हुए हम IUPAC सिखाएंगे आपको किस तरह से IUPAC लिखा जाएगी फॉर ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।